ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. कौन सी एज में होता है? 55 टू 65 ईयर्स. 40 ईयर्स से पहले पहले अनकॉमन है, मोस्टली इसी एज में होता है. इसका भी रीज़न वही है जो इसमें हम दोष दे रहे हैं ईस्ट्रोजन को, तो इसमें भी हम ईस्ट्रोजन को दोष देंगे. ईस्ट्रोजन की एक्सेस की वजह से एंडोमेट्रियम की ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसकी वजह से अब ये जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, ये दो टाइप्स का है, एंडोमेट्रॉयड और सीरस टाइप. एंडोमेट्रॉयड जो है वो 80% केसेस में होता है, लेकिन सीरस टाइप 15% में होता है. ऑलराइट, अब इन दोनों के अलावा भी हैं, दैट इज क्लियर सेल कार्सिनोमा और मुलेरियन ट्यूमर. ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ एंडोमेट्रॉयड और सीरस पढ़ेंगे जो कि मेन है, क्योंकि 80% 15% ये हो रहा है, ये अगर 5% हो भी रहे हैं दोनों मिला जुला के तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं. देन पैथोजेनेसिस अगर हम देखें, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो रहा है, किसमें? एंडोमेट्रॉयड में, और सीरियस टाइप में एंडोमेट्रियल एट्रॉफी हो रही है. मेनली अगर हम बोलें कार्सिनोमा, तो हम लोग एंडोमेट्रॉयड को ही याद रखते हैं, सीरियस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. लेकिन हम लोग अभी 15% इसको बोला है, तो हम डिस्कस करेंगे. एंडोमेट्रॉयड में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो रहा है. कौन सी एज में हो रहा है? पेरीमेनोपॉजल वुमेन मतलब मेनोपॉज आने के पहले जो टाइम होता है उसे बोलते हैं पेरीमेनोपॉजल पीरियड. ठीक है, मतलब कि जो मेनोपॉज आने वाला है उससे पहले वाला जो टाइम है. और ये जो होता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होता है. पोस्ट मेनोपॉजल मतलब मेनोपॉज के बाद. अब ये जो हम इसे एंडोमेट्रॉयड बोलते हैं, एंडोमेट्रॉयड हम इसे क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये वाला जो कैंसर है, ये एंडोमेट्रियम अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें तो ये नॉर्मल एंडोमेट्रियल ग्लैंड की तरह दिखता है. नॉर्मल एंडोमेट्रियल ग्लैंड, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो हमें नॉर्मल की तरह, हिस्टोलॉजी नॉर्मल दिखती है. रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं. रिस्क फैक्टर्स में क्या होता है? ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनफर्टिलिटी और ईस्ट्रोजन. मेनली ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन क्यों इंक्रीज हो सकता है? अगर ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम कर रहे हैं, हमने पहले भी करा था रिप्लेसमेंट थेरेपी ERT, तो इंक्रीज हो जाता है रिस्क इसका. और इनफर्टिलिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी. ओबेसिटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ईस्ट्रोजन का लेवल इसमें इंक्रीज होता है. देन अगर मेन बात करें कि एंडोमेट्रियल, ये जो सीरस टाइप है, इसमें म्यूटेशन किस में आती है? TP53 हमें क्या पता है कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो इसमें म्यूटेशन आएगी तो फिर सीरस टाइप का हो सकता है. लेकिन एंडोमेट्रॉयड की बात करें अगर, तो एंडोमेट्रॉयड में म्यूटेशन किस में आती है? मिसमैच रिपेयर जीन में और P10 में. P10 हमने लास्ट में उसमें भी पढ़ा था हाइपरप्लेजिया में, जिसमें P10 जो था वो एक रिस्क फैक्टर था. इसमें भी यही है, म्यूटेशन होती है मिसमैच और P10 ट्यूमर सप्रेसर जीन में. मिसमैच जीन में होगी उसे हम लिंच सिंड्रोम बोलते हैं, और ट्यूमर सप्रेसर जीन में होती है जो कि 10 है, दैट इज़ काउडन सिंड्रोम. मॉर्फोलॉजी क्या होती है? अब बस इतना याद रख लो, अगर हमने डिवाइड करना है तो सीरियस TP53 में म्यूटेशन आ रही है, ठीक है, और इसमें P10 इसमें P पहले आ रहा है, उसमें P बाद में आ रहा है. मॉर्फोलॉजी में क्या होता है एंडोमेट्रियॉइड की? जो स्क्वैमस सीलिएटेड म्यूसिनल डिफरेंशिएशन, मतलब कोई भी टाइप की डिफरेंशिएशन हो सकती है. मतलब एंडोमेट्रियम में अगर उसमें ग्लैंड्स हैं तो म्यूसिनल सीलिएटेड, स्क्वैमस टाइप का एपिथीलियम, किसी भी टाइप की सेल्स की डिफरेंशिएशन हो सकती है और कार्सिनोमा बन सकता है. एंडोमेट्रियॉइड में क्या होता है कि जो इन्फिल्ट्रेट बनता है वो मायोमेट्रियम में एंटर कर जाता है. मायोमेट्रियम से वो वैस्कुलर टिश्यूज में, वैस्कुलर जो भी हमारे वेसल्स हैं उससे, अब अगर ब्लड वेसल्स में चला गया तो फिर वो मेटास्टेटाइज कर सकता है. वो मेटास्टाइज करके रीजनल लिम्फ नोड्स में चला जाएगा. सबसे पहले वो कहाँ जाता है? मायोमेट्रियम में. मायोमेट्रियम से वैस्कुलर, वैस्कुलर से वो मेटास्टाइज करके रीजनल लिम्फ नोड्स में चला जाएगा. देन सीरियस कार्सिनोमा मॉर्फोलॉजी कैसी है? उसमें टफ्ट्स ऑफ ग्लैंड्स दिखते हैं और एटीपिया दिखता है. टफ्ट्स ऑफ ग्लैंड्स और एटीपिया. क्लिनिकल फीचर्स, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, स्लो टू मेटास्टेटाइज. अब विद थेरेपी क्या होता है? फाइव जो एंडोमेट्रॉयड है उसमें 5 ईयर तक का सर्वाइवल रेट है. 5 ईयर तक का सर्वाइवल रेट है अगर हम लोग थेरेपी करते रहें तो, ठीक है, 90% केसेस में सर्वाइवल रेट है 5 ईयर्स का अगर हम लोग थेरेपी करें तो. सीरियस में क्या है? सीरियस का प्रोग्नोसिस पुअर है. सो या एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमा जो 55 to 65 ईयर्स में होता है, दो टाइप्स का होता है, एंडोमेट्रॉयड और सीरस टाइप. एंडोमेट्रॉयड 80% केसेस में होता है. एंडोमेट्रॉयड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की तरह दिखता है हिस्टोलॉजिकली. पैथोजेनेसिस में ये, इसमें हाइपरप्लेजिया ही होता है और उसमें
एट्रॉफी होती है। इसीलिए मेनली हम इसी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हाइपरप्लेजिया से इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ कार्सिनोमा, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। रिस्क फैक्टर्स ओबेसिटी मेन है, ईस्ट्रोजन मेन है, इनफर्टिलिटी है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें म्यूटेशन किस में आती है सीरियस टाइप में, TP53 में, और इसमें किस में म्यूटेशन आती है, P10 में। मॉर्फोलॉजिकली जो एंडोमेट्रॉयड है, एंडोमेट्रॉयड में कोई भी टाइप का जो सेल है उसकी डिफरेंशिएशन हो सकती है, वो मेटास्टेसाइज कर जाएगा। और सीरियस में टफ्ट्स ऑफ ग्लैंड्स दिखते हैं हमें। क्लिनिकल फीचर्स ब्लीडिंग, और इसका जो सर्वाइवल है रेट है 5 ईयर्स है अगर हम थेरेपी देते रहें साथ साथ 90% केसेस में, लेकिन इसमें सीरियस के टाइप में पुअर प्रोग्नोसिस है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्सिनोमा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।